कैंसर जो है एक जानलेवा बीमारी है और वो अपने पांव पसार रही है। वो उसके फैलने के अनेकों कारण हैं, हम सब जानते हैं। उन कारणों को रोकने के लिए भी हम समय समय पर कदम उठाते रहते हैं, जैसे तंबाकू का हमने किया है और जो चीज़ें हैं जिनसे स्मोकिंग का किया है हमने, वो कदम हम उठाते रहते हैं। और कैंसर में अगर इसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो लगभग 30% मरीजों को बचाया जा सकता है, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए। और उसके लिए सारा हमें कितने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, सही मानों में आज की तारीख में कोई भी ऑथेंटिक डाटा सरकार के पास नहीं है। अलग अलग तरह से इसको रजिस्टर्ड किया जाता है, सेंटर में भी किया जाता है और तरह भी किया जाता है, पर कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है कि हमारे पास पूरा डाटाबेस हो कि कितने कैंसर के रोगी हैं, किस किस प्रकार का कैंसर है, उनको किस किस प्रकार की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसके लिए किस किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना चाहिए। तो वो डेवलप करने से पहले हमें उसका पूरा डाटा होना ज़रूरी है। उसी के लिए ये एक एटलस आज लॉन्च की गई है और बाय एन एक्ट हर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए कंपलसरी होगा कि अगर उनके पास कोई कैंसर केस डिटेक्ट होते हैं, लैब में होते हैं, CMOs हैं हमारे, लैब टेक्नीशियंस हैं, या प्राइवेट भी, अगर प्राइवेट को भी इसमें शामिल किया, प्राइवेट भी है, जो भी है, जहाँ भी डिटेक्ट होता है, तो ही इज़ ड्यूटी बाउंड कि वो इसमें रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने से फिर हमारे पास एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो हमारे सामने आ जाएगी कि इतना कैंसर इस हद तक फैल चुका है और ये इसकी ग्रोथ हो रही है और इस एरियाज में कहाँ कहाँ पर, उसकी मैपिंग भी हम करेंगे कि किन एरियाज में वो ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर अगर ज़्यादा हो रहा है तो किस टाइप का हो रहा है।